आज मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स आ रहे हैं मेरे उन बेटियों के, उन बहनों के, कि सर हमारे ऊपर कुछ ऐसा वीडियो बनाइएगा कि जिससे हमारा जो उभार बिल्कुल दब से गए हैं, हमारा सौंदर्य जिसके कारण से छुप जाता है, ये हमारे जो स्तन अपने पूर्ण आकार नहीं ले रहे हैं, इसके लिए कुछ ऐसा स्पेलाइज फार्मूला आप दीजिएगा कि जिसको हम इस्तेमाल करके इन घरेलू नुस्खों द्वारा हम अपने आरक्षित सीने को विकसित कर सकें और हम हीन भावना के शिकार होने से बचें। तो आज का वीडियो ये उन्हीं लड़कियों के लिए है, उन्हीं बहन बेटियों के लिए है कि जो इस रोग से पीड़ित हैं। आइए जानते हैं इसका सबसे बेहतर उपचार क्या है। सबरंग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों, जो मैं जंगल जंगल जाकर एक से एक अच्छे फार्मूले से आपको लेकर आता हूँ, मैं अपनी कठिन तपस्या के दम पर वो आपको सौंपता हूँ। दोस्तों, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे चैनल को, जो ये लाल वाला बटन आप देख रहे हैं, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें और देखिए दबाने के बाद जो ये बेल आइकॉन आया, इसको भी आप दबा कर आगे वाले भाग पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आज ये फार्मूला। ये जो आप देख रहे हैं मिसाल का वृक्ष, इसको हम बोलते हैं बरगद का पेड़। ये वैसे तो हजारों रोगों में काम आता है, लेकिन आज हमारा सिर्फ चेक कर ये है कि हम कैसे आरक्षित सीने को विकसित करें। ये उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए हैं जो मुझे सैकड़ों कमेंट्स मेरे हर वीडियो पर कर रही हैं कि सर हमें ऐसा कुछ बता दीजिए घरेलू उपाय जिससे हम अपने इस उभारों को उभार सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसकी आपको कम से कम 100 ग्राम छाल को छीन लेना है। तो दोस्तों, आपने जैसे पहले स्टेप में देखा, हम आपको अभी बरगद के पेड़ के नीचे बताते हैं, हमने जो छाल छील कर रखी थी, हाँ, अपने स्टूडियो में आ गया और हमने उस छाल को पीस करके चूर्ण बना लिया है। और ये देखिए, ये उसका चूर्ण बना हुआ है। और अब बताते हैं, आइए इसके साथ में हम और क्या इस्तेमाल करना है। एक और दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं शतावरी चूर्ण। ये इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको कहीं भी पंचायत भवन पर आसानी से मिल जाएगा, या आयुर्वेदिक दवाइयों से आप स्टोर से आप इसको ले सकती हैं। और ये 100 ग्राम हमारी जो वो छाल का चूर्ण है और 100 ग्राम हमारे ये शतावरी चूर्ण है। अब इसको करना क्या है, आइए हम बताते हैं आपको और किस प्रकार ये लेना है। तो इसमें करना क्या है, जैसे ये किसी भी आप छाल देख रहे हो, तो ये शतावरी चूर्ण है हमारा, हम इसको ये निकाल करके ये देखिए, और हमें इसमें मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को। ये देखिए, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और जब ये ऐड हो जाए तो इसको अच्छे से चम्मच की सहायता से एक बाउल में मिलाकर ये आपका चूर्ण तैयार हो गया। और इसको आपको कम से कम एक चम्मच यानी कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप शाम को चाहें तो ताज़ा पानी से भी ले सकती हैं, लेकिन याद रखें सुबह को खाली पेट जब आपको लेना है तो इसको गाय के दूध के साथ ही आपको इस्तेमाल करना है। और इस तरह से आपको लगभग ये 15 दिन में जो आपका आरक्षित सीना है उसको विकास करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। प्लस जो आपकी खूबसूरती इनके कारण से छुप सी गई है, ये उस खूबसूरती को भी निखारेगा। प्लस इससे आपके और बहुत सारे रोग भी ठीक होंगे, जैसे आपकी पिंडलियों में ऐठन रहती है या कोई शारीरिक दर्द रहता है, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देने वाला है। और एक काम इसके साथ आपको और करना है, चूर्ण के साथ साथ, और जब ये आप चूर्ण इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपको जैतून का तेल, जी हाँ, ओलिव ऑयल, ये ले लेना है। और इससे अपने वक्ष स्थल पर रात को सोते समय हल्के हाथ से ऊपर की ओर मसाज करनी है। अगर ये भी आप इसके साथ में अपनाती हैं तो आपको रिजल्ट जो है बहुत चौंकाने वाले मिलने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो ये जो मेरे स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रही हैं, इससे ही मुझसे कमेंट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर सीधे मुझसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके बारे में जानकारी ले सकती हैं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा और बने रहे सबरंग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल साथ, इसका मैं आपके दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं सईद गौर, सबरंग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल से।